Hi, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you issue of debenture related problem. उसके लिए एक question के लेके example लेके चलते हैं. वो example है क्या? Question देखते हैं क्या है. चलते पढ़ते हैं. Narain Laxmi Ltd invited application for issuing 7,512% debenture of Rs.100 each at a premium of Rs.35 per debenture. The full amount was payable on application. Take application were received for 10,000 debenture. Application for 2,000 debenture were rejected and the application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applicants. कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी के पास 7,500 डिवेंचर है जो 7,500 कंपनी 7,500 12% डिवेंचर है और एक डिवेंचर की प्राइस कितनी बता रही है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच है. प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 35 यानी कंपनी कितने में कर रही है? 135 में. कंपनी ने कहा कि एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है कितने रिसीव हो रही है? टोटल एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन रिसीव जो हो रही है कंपनी को कितने डिवेंचर के लिए हो रही है? 10,000 डिवेंचर के लिए. अब कंपनी कह रही है कि जब इस टाइप की कंडीशन में होता है तो प्रोराटा के बेसिस पे कर सकते हैं कि रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो अब कंपनी क्या करेगी कि एक्सेस अमाउंट को क्या करेगी कंपनी की 2,500 डिवेंचर यानी 7,500 करना है और 10,000 आई है तो 2,500 डिवेंचर कंपनी क्या कर रही है? उसको रिफंड कर रही है. जब रिफंड कर रही है तब यहाँ पे जनरेटी कंपनी अपने यहाँ पे जनरेटी क्या करेगी आइए देखते हैं. तो फर्स्ट एंट्री जो कंपनी के यहाँ पे होगा वो क्या होगी? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कंपनी के पास जो कंपनी जो एप्लीकेशन रिसीव की हुई है तो कंपनी के पास जितनी भी डिवेंचर आ रही है तो उसके लिए एप्लीकेशन. तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कंपनी ने कितना रिसीव किया? टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना? 10,000 और कितने रुपए से कर रही है? 135. तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री में यहाँ पे आएगी जो अमाउंट आएगा वो कितने से आएगा? 10,000 इंटू 135 यानी कितने आएगा? 13,50,000. यहाँ पे कितना आ गई? 13,50,000 being receive application money on 10,000 debenture being received कंपनी क्या कर रही है? बींग रिसीव कर रही है कितने से एप्लीकेशन के अमाउंट को या इसको इस तरह से कर सकते बींग एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिवेंचर्स यानी कंपनी जो एप्लीकेशन की मनी जो रिसीव कर रही है वो कितने डिवेंचर पे किया? 10,000 पे. अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी कह रही है कि 2,500 को क्या कर रही है? वो रिफंड कर रही है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री कंपनी के यहां पे होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 12% टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू. अब कंपनी कर रही है क्या? इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अब कंपनी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था उसको क्या करे? रिफंड करे. तो रिफंड किसके थ्रू करेगी? रिसीव किया और बैंक के थ्रू तो वापस भी किससे करेगी वो रिफंड? बैंक से. तो नेक्स्ट क्या होगा? टू बैंक. अब देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से आएगा? 13,50,000
30,50,000। अब डिवेंचर कंपनी को करना कितना है 7,500, तो 7,000 तो डिवेंचर में ट्रांसफर कर सकती है, कितने से कर सकती है वो 7,500 इंटू 100, 7,500 इंटू 100 कितने से हो सकता है 7,50,000, 7,50,000। अब प्रीमियम कितना बता रही है 35 रुपीज से, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफर कर सकती है 7,500 इंटू 35, यानी 2,62,500। अभी भी कंपनी के पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ 2,500 डिबेंचर बचा हुआ है, तो कंपनी उसको क्या करेगी रिफंड करेगी, कितने अमाउंट से करेगी, जितना अमाउंट रिसीव हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 135 से कंपनी क्या कर रही है उसको रिफंड कर रही है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है डिबेंचर, अगर हम देखते हैं 2,500 इंटू 135 से कंपनी रिफंड किया तो कितना कर रही है 3,37,500। ओके अब इस तरह से अब नरेशन क्या हो जाएगा, अब देखिए कंपनी जो डिवेंचर कर रही है बींग डिवेंचर अलॉट कर रही है कितने शेयर पे, बींग अलॉटेड अलॉटमेंट कितने शेयर का, सॉरी कितने डिवेंचर का अलॉटमेंट कर रही है, अलॉटमेंट कितने को कर रही है, अलॉटमेंट ऑफ 7,500 कितने को किया हुआ उसने 7,500 डिवेंचर कंपनी अलॉट कर रही है, ठीक है, और कितने रुपए इस पे अलॉट 12% डिवेंचर, ठीक ऑफ रुपीज 100 बींग अलॉटेड ऑफ 7,500 12% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक अब ईच अलॉट किया है एट ए प्रीमियम ऑफ 35 ईच एंड एट ए प्रीमियम ऑफ 35, ठीक है, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड, ये तो था कंपनी के हिसाब से कि कंपनी ने डिवेंचर इशू किया और डिवेंचर के लिए जितने के लिए एप्लीकेशन आई थी कंपनी जितना इशू करना था इशू किया, उसके बाद कंपनी ने क्या किया उसका रिफंड किया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या थी कि कंपनी कह रही थी 7,500 डिवेंचर के लिए ऑफर की हुई थी लेकिन एप्लीकेशन कितना आया था 10,000, एक डिवेंचर की प्राइस थी 100 रुपीज और प्रीमियम कितना था 35, कंपनी कह रही 2,500 डिवेंचर को क्या कर रही है कंपनी रिफंड कर रही है, जब रिफंड कर रही है तो फर्स्ट एंट्री जो कंपनी ने अपने यहाँ पे एंट्री किया तो फर्स्ट एंट्री क्या की वहां पे बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से 10,000 × 135 13,50,000, ठीक है एप्लीकेशन मनी रिसीव किया कंपनी ने और उसके बाद जब उसे एडजस्ट कर रही है तो किसमें एडजस्ट कर रही है नेक्स्ट एंट्री में, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया उसकी कंपनी के यहाँ पे उन्होंने जो किया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज में रिजर्व और टू बैंक। अब देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से आया था, जितने से यहाँ पे क्रेडिट किया तो वही अमाउंट यहाँ पर डेबिट आ गया 13,50,000। कंपनी डिवेंचर ट्रांसफर कितना कर सकती है, जितने डिवेंचर इशू कर रही है और एक फेस प्राइस से फेस वैल्यू कितने की थी 100 की, तो 7,500 इंटू 100 किया तो कितना आ गया 7,50,000। सेम प्रीमियम कितने का था 35 का, तो 7,500 इंटू 35 किया तो 2,62,500 और उसके बाद फिर रिफंड कितना कर रही है जितना एक्स्ट्रा डिवेंचर आया था 2,500 इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ, यानी 100 + 3,500 से रिफंड कर दिया 3,37,500, ठीक है अब कंपनी ने उसको एडजस्ट किया। अब इसके बाद अगर ये चीज अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।